बलूचिस्तान की प्रधानमंत्री नईला कादरी इस वक्त भारत में है। हम आपको बता दें कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का एक सूबा है, लेकिन बलूचिस्तान का मानना है कि पाकिस्तान का उसके ऊपर इलीगल ऑक्यूपेशन है। उनका कहना है कि 1947 के बाद जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उस वक्त ये सूबे थे, और ये सूबा जो था बलूचिस्तान का, उसके अलावा बाकी सिंध का सूबा, जो बाकी सूबे हैं पाकिस्तान के, उनके बारे में भी यही है कि वो अलग अलग सूबे थे जिसके ऊपर पाकिस्तान ने अपनी इलीगल ऑक्यूपेशन कर ली है। और जो इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान की, जिन्हें प्राइम मिनिस्टर इन एग्जाइल कहा जाता है, जिन्हें देश निकाला दे दिया गया हुआ है, वो इस वक्त भारत भ्रमण पे हैं। उनका कहना है कि बलूचिस्तान के ऊपर पाकिस्तान जो है बहुत से जुल्म ढा रहा है। उन्होंने हिंदुस्तान में आके सबसे पहले गंगा घाट जाके पूजा अर्चना की और बलूचिस्तान को आज़ाद होने के लिए गुहार लगाई, पूजा अर्चना की। उसके बाद शी इन्वोक्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अपील की कि वो यूएन में, क्योंकि इस वक्त उनकी यूएन में जो से है भारत की वो बहुत अच्छी है, उन्होंने बोला कि इसी वक्त प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और साथ में बीजेपी सरकार जो है वो यूएन में जाके बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए गुहार लगा सकती है और उनकी बात की सुनवाई भी हो सकती है। उन्होंने अपील की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वो यूएन में बलूचिस्तान का मुद्दा उठाएं और पाकिस्तान की इलीगल ऑक्यूपेशन से बलूचिस्तान को निजात दिलाएं। उनका कहना है कि इस वक्त बलूचिस्तान पे पाकिस्तान कहर बरसा रहा है, और उनका ये भी कहना है कि पाकिस्तान अकेला नहीं, चीन भी उसके साथ मिलकर इस जो उनके ऊपर बलूचिस्तान पे जो कहर ढाया जा रहा है उसमें चीन भी पूरी तरह से शामिल है। उनका कहना है कि बलूचिस्तान की बच्चियों के साथ रेप किया जा रहा है, उनके ऑर्चर्ड्स जला दिए जा रहे हैं, घरों को लूट लिया जा रहा है, जवानों का कत्लेआम कर लिया जा रहा है और औरतों को सरेआम मार दिया जा रहा है। बलूचिस्तान की प्राइम मिनिस्टर नईला कादरी, जैसे मैंने आपसे कहा कि इस वक्त भारत में है, वो पूरे विश्व भ्रमण पे निकली हुई है। वो विश्व के बाकी सब देशों में जाना चाहती हैं और उन देशों के हेड्स के साथ, प्राइम मिनिस्टर्स के साथ, प्रेसिडेंट्स के साथ अपील करना चाहती हैं इसी मुद्दे को लेके कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान की इलीगल ऑक्यूपेशन से मुक्त किया जाए। उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बहुत डिटेल में बात की और कहा कि पाकिस्तान एक जलील स्टेट है। एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान का रवैया लुटेरों वाला है। उन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट और आर्मी के बारे में जिया लक को, जो जनरल थे उनके, उनको इन्वोक करते हुए कहा कि जिया लक के वक्त में फिलिस्तीन में एक रात में उन्होंने पाकिस्तानियों ने 10,000 लोगों को मार दिया। सिमिलरली उन्होंने बात बांग्लादेश की, उन्होंने कहा 30,00,000 लोगों को पाकिस्तान ने मार दिया। फिर उन्होंने अफगानिस्तान की बात भी की और कहा कि बहुत से 4-5 लाख लोगों को, अफगानिस्तानियों को भी मारने में पाकिस्तान का हाथ है। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान एक लुटेरा देश है और जलील देश है। जलील देश के कहने का मतलब है कि उन्होंने ये कहा कि जो पाकिस्तान का पासपोर्ट है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा जलील पासपोर्ट है। उनका कहना है कि पाकिस्तान का कोई भी बाशिंदा जब एयरपोर्ट पे जाता है तो उसे सिंगल आउट करके दूसरी लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। वो जलालत की एक इंतहा है, क्योंकि पाकिस्तान एक जलील स्टेट है। ये कहना है बलूचिस्तान की प्रधानमंत्री नईला कादरी का, जो इस वक्त भारत में है और विश्व भ्रमण में है। और भारत में आते हुए उन्होंने ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील की है कि वो यूएन में जाकर बलूचिस्तान को फ्री करने के लिए गुहार लाएं। उन्होंने कहा कि उनके पास ये सही मौका है, ऐसा मौका दूसरी बार नहीं आएगा, क्योंकि इस वक्त भारत का जो यूएन के अंदर जो उनकी प्रेजेंस है, जो उनकी आइडेंटिटी है, वो बहुत स्ट्रांग है, और भारत जो है अगर ये मुद्दा उठाता है तो बलूचिस्तान को फ्री होने में मदद मिलेगी। उन्होंने बांग्लादेशियों की बात की, कहा कि जहाँ पे मेजॉरिटी मुस्लिम है वहाँ पे पाकिस्तान ने कहर बरसाया और बहुत से मुस्लिम लोगों को, उनका कहना ये है कि पाकिस्तान के मुस्लिम जो हैं वो अपने ही मुस्लिम्स को मार रहे हैं। जैसे मैंने आपसे भी कहा कि उन्होंने अफगानिस्तान की बात की, उन्होंने फिलिस्तीन की बात की, उन्होंने बांग्लादेश की बात की। उन्होंने बोला लाखों लोगों को पाकिस्तानियों ने मारा है और जो मेजॉरिटी जिनको मारा है वो मुस्लिम खुद हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान एक डीप स्टेट है और वहाँ पे
भारत को, लोगों को, उन लोगों को जिनको पाकिस्तान प्रेम है, उनको बाहर से जो दिखाई दे रहा है, एक बार पाकिस्तान में जाकर देखें। नईला कादरी इस वक्त भारत में है, प्रधानमंत्री बलूचिस्तान की गुहार लगा रही हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि यूएन में जाकर बलूचिस्तान को फ्री कराने के लिए गुहार लगाएं, और साथ में विश्व भ्रमण पे हैं। ये सुर्खी हम आपके सामने लेकर आना चाहते थे। इस वक्त की सबसे बड़ी यही खबर है जो चल रही है। देश विदेश और रियासत जम्मू कश्मीर की घटनाओं और सूचनाओं को लेकर मैं इसी माध्यम दी फोर्थ वन इंडिया से आपके साथ जुड़ा रहूंगा, और आप मुझसे जुड़े रहिए अपने सुझाव लेकर। धन्यवाद।